हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाती रहती हूँ और आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। तो उन्हीं वीडियोस के थ्रू मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स ने बताया है कि वो जितनी भी सारी वीडियोस थी वो बहुत ही ज़्यादा कंटेंटफुल और यूज़फुल थी, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में उस कंटेंट के साथ साथ उसको थोड़ा सा डिस्कस भी करूँ। तो आज मैं अपने टॉपिक के साथ आई हूँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड मेम्ब्रेन, प्रेजेंटेड बाई एमन फातिमा, एमएससी नर्सिंग। माई स्पेशलिटी इज़ ओबीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बोरा इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइजर साइंस। तो फर्स्ट आई लाइक टू अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द प्लेसेंटा। सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अ रिमार्केबल ऑर्गन। प्लेसेंटा कोई जो है साधारण ऑर्गन नहीं है। हैज़ अ रिलेटिव शॉर्ट लाइफ स्पैन, इट अंडरगोस रैपिड ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। मतलब क्या होता है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होता है। ये क्या होता है, प्रेगनेंसी के साथ ही स्टार्ट होता है और इसमें बहुत ही रैपिड ग्रोथ होता है। टाइम टाइम के साथ इसकी सेल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन इसकी जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इसमें बदलती रहती हैं और बहुत जल्दी मैच्योर होता है। थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर के साथ भी प्लेसेंटा के लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये बहुत ही रिमार्केबल ऑर्गन है। उसके अलावा एक प्लेसेंटा का एक बहुत ही यूनिक फंक्शन होता है जो क्या करता है, फीटल और मैटरनल के बीच में एक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है और एक हार्मोनल इन्वायरमेंट को क्रिएट करता रहता है जो क्या हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और जो पार्टीरेशन जो लेबर का प्रोसेस होता है उसको ये इनिशिएट करने में हेल्प करते हैं। तो प्लेसेंटा जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए। द प्लेसेंटा इज द ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कॉइड। ये क्या होता है, एक डिस्कॉइड शेप का होता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्लेसेंटा एंड यूट्रस। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा है और यूट्रस के इनसाइड में फीटस है। दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ द प्लेसेंटा, एमनियोटिक कैविटी विद एमनियन। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ओवम, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट। Now then this is the next picture of the development of the placenta and the amniotic cavity. The first is development of the primary villi, secondary villi and next tertiary villi. This is the picture of the development of the placenta from the trophoblast to the is convert how it will develop time to time. So firstly the trophoblast development. Now there is a development of the primitive mesoderm बनते हैं, primitive ectoderm बनते हैं और साथ साथ में primitive introderm बनते हैं। बाद बाद में क्या होता है, ये primitive ये जो है क्या होता है amnion और chorion में divide हो जाता है। Inside जो cavity होती है that is amniotic cavity है, जो outside cavity होती है वो chorionic cavity होती है और इसके बीच में क्या होता है यॉर्क सैक होता है। इसके बाद में जो लास्ट मैच्योरेशन है इसमें क्या होता है स्मूथ कोरियन होते हैं, इनसाइड एमियन होता है और फीटस होता है, आउटसाइड जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी वेलाई होती है वो इन्वाइड हो जाते हैं यूट्रस की वॉल में और प्लेसेंटा क्या हो जाता है अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल से। प्लेसेंटा एट टर्म, टर्म पे प्लेसेंटा कैसा होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया प्लेसेंटा इज अ डिस्कॉइड, ये डिस्कॉइड ऑर्गन होता है। 15 से 20 सेंटीमीटर ये डायमीटर होता है और इसकी जो थिकनेस होती है वो सब जगह सेम नहीं होती है। जो सेंटर पे होता है वो 3 सेंटीमीटर थिक होता है और एजेस पे 3 सेंटीमीटर थिक नहीं होता है। इसका वेट लगभग 500 ग्राम होता है। ये जो पिक्चर देख सकते हैं ये टर्म प्लेसेंटा की है। टर्म बोला तो हमारा 37 जेस्टेशन वीक टू 40 और 42 वीक। तो टर्म पे प्लेसेंटा कैसा दिखता है, ये इसके दो साइड होते हैं मैटरनल और फीटल सरफेस। तो ये जो पिक्चर है वो मैटरनल सरफेस की, इसका मैटरनल सरफेस होता है, इसमें बहुत सारे कॉटिलीडॉन्स होते हैं जिसमें स्मॉल स्मॉल फीचर्स भी हैं। एक भी कॉटिलीडॉन मिस होने से क्या होता है, यहाँ पे खाली स्पेस दिखता है। तो ये जो है मैटरनल सरफेस है जो क्या होता है खुरदरा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे दिस इज द फीटल सरफेस, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था एमनियन और कोरियन साइड। तो दैट वाज द कोरियन साइड, नाउ दिस इज द एमनियन साइड। ये क्या है, एमनियन साइड है जो क्या है ग्लिसरी है, शाइनी है और थोड़ा व्हाइटिश कलर में है। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, इन लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी द मेम्ब्रेन थिकनेस रिड्यूस फ्रॉम 0.025 mm टू 0.002 mm। जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। जेस्टेशनल एज के साथ साथ प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन भी जो है वो इलास्टिसिटी के साथ साथ थिन भी होती रहती है। स्टार्टिंग में 0.02 mm की होती है और इसे मेच्योरेशन पे ये 0.022 mm की हो जाती है। फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन की टू लेयर होती है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर होती है उसको हम लोग कोरियन लेयर बोलते हैं और जो इनर लेयर होती है उसको हम लोग इनर एमनियन बोलते हैं।
कोरियन। अब हम कोरियन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनली अटैच टू एमनियन बाय लूज एरियोलर टिश्यू। जो कोरियन का इंटरनल साइड है वो क्या होता है, एमनियन और लूज एरियोलर टिश्यू से अटैच होता है। एक्सटर्नली कवर्ड बाय ट्रोफोब्लास्टिक लेयर एंड डेसीडुआ सेल ऑफ फ्यूज डेसीडुआ कैप्सुलरी एंड पेरिटेलिस। एक्सटर्नली जो है ये ट्रोफोब्लास्टिक लेयर और डेसीडुआ सेल में फ्यूज होती है, इन्वाइट होती है, और जो क्या हो जाती है यूट्राइन कैविटी से अटैच होती है, यूट्राइन लेयर से अटैच होती है। एमनियन, एमनियन का इंटरनल सरफेस इज स्मूथ एंड शाइनी एंड इन कॉन्टेक्ट विथ लाइकर एमनी। इसका जो इंटरनल सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, शाइनी होता है और लाइकर एमनी के कॉन्टैक्ट में होता है। आउटर सरफेस जो होता है वो क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से कंसिस्ट बना होता है। एमनियन कैन बी पील ऑफ फ्रॉम द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा एक्सेप्ट एट द इंसर्शन ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड। एमनियन को क्या कर सकते हैं हम लोग, पील ऑफ कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ से अटैच होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से होती, तो उस एरिया से उसको हम लोग पील ऑफ नहीं कर सकते। सो दिस इज द पिक्चर ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट द डेसीडुआ कैप्सुलरिस कोरियन एंड एमनियन, हाउ इट कनेक्टेड विद द हाउ इट कनेक्टेड एंड द एमनियोटिक लेयर, हाउ इट कनेक्टेड विद द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड फीटस। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, एज पर वीक वाइज इसका जो है अमाउंट जो है वो बढ़ता रहता है। 12 वीक्स में इट अबाउट टू 50 ml, 16 वीक इज अबाउट टू 150 ml, 38 वीक 900 टू 1000 ml, एटम इज अबाउट टू 1000 टू 900 ml। प्लेसेंटा सर्कुलेशन, प्लेसेंटा में जो है तीन सर्कुलेशन होते हैं, यूट्रो प्लेसेंटा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इन द इंट्राविलस स्पेस एंड फीटो प्लेसेंटा सर्कुलेशन। ऐसे कि ये पिक्चर इसमें हम लोग देख सकते हैं, एक साइड जो है वो प्लेसेंटा साइड है, दूसरी साइड जो है वो एमनियोटिक कैविटी है। एमनियोटिक कैविटी में कोरियन है, कोरियोनिक विलस है, अम्बिलिकल आर्टरी वेन, अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वेन्स हैं, कॉर्ड ऑफ टू फीटस, पूल ऑफ मैटरनल ब्लड है, मेन सिस्टम ऑफ कोरियोनिक विलाई है। जबकि इसके प्लेसेंटा साइड के लास्ट साइड में इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम है। इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम दे आर द लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल से क्या होता है, इसका कोरियन साइड अटैच होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड से इसका क्या होता है, एमनियन सरफेस जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में होता है। तो ये एक रियल पिक्चर है अम्बिलिकल कॉर्ड की, जिसमें क्या है, एक अम्बिलिकल दो अम्बिलिकल आर्टरीज है और एक अम्बिलिकल वेन है, इसको हम लोग आभा के नाम से भी बोलते हैं। प्लेसेंटल बैरियर, इसके अलावा क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी देर इज नो मिक्सिंग ऑफ द मैटरनल एंड फीटल ब्लड। प्लेसेंटल बैरियर की वजह से ही मैटरनल और फीटल में इतनी ज़्यादा पास होने की वजह से भी इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटल बैरियर की वजह से ही एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ये जो पिक्चर है प्लेसेंटल और प्लेसेंटल बैरियर, इसमें कैसे जो है वो एक्सचेंजेस होता है, क्या क्या चीज़ें बेबी को जाती हैं, क्या क्या चीज़ें बेबी से बाहर आती हैं। तो ऑक्सीजन बेबी को इसमें पहुंचता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स बेबी को पहुंचते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, हार्मोन्स पहुंचते हैं, एंटीबॉडीज पहुंचते हैं, ड्रग्स और वायरसेस भी पहुंचते हैं। बेबी से क्या क्या प्लेसेंटा बैरियर से क्रॉस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्रॉस होती है, वाटर एंड यूरिया क्रॉस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट क्रॉस होते हैं एंड हार्मोन्स क्रॉस होते हैं। इन अर्ली प्रेगनेंसी इज कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से है जो है, अर्ली प्रेगनेंसी में इसमें हार्मोन्स होते हैं, सिंसोट्राइफोब्लास्ट होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल टिश्यू, इंडोथीलियम विद फीटल कैपिलरी वॉल, इट इज अबाउट 0.025 mm थिक। ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया है जो टर्म पे क्या हो जाता है, एकदम थिनो के 0.02 mm सेंटीमीटर हो जाता है। नियर टर्म एटेनुएशन ऑफ द सिंसेशियल लेयर, सिंसेशियल लेयर में क्या होता है, एकदम से कमी स्पेयर्ड साइटोट्रोफोब्लास्टिक एंड डिस्टेंडेड कैपिलरीज फिल द विलस। जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है वो क्या होने लगते हैं, स्कैटर्ड होने लगते हैं। बीटाजोन ऑफ टर्मिनल विलाई आर फॉर हार्मोनल थिंसेसिस। बैरियर फंक्शन, फीटल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव बैरियर टू द फीटस अगेंस्ट द नॉक्सियस एजेंट सर्कुलेटिंग इन द मैटरनल ब्लड। फीटल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, जितने भी नॉक्सियस एजेंट होते हैं, जितने भी हार्मफुल एजेंट होते हैं, पॉइजनस होते हैं, वो क्या करती है, फीटल और मैटरनल सर्कुलेशन में मिक्सिंग होने से रोकती है।
वॉट इज द प्लेसेंटल बैरियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्लेसेंटल बैरियर, एमनियन, कोरियोनिक प्लेट, अम्बिलिकल वेसल एंड कोरियोनिक वेसल, इन अपर साइड देर इज द एंड्रोमेट्रियल वेन, डेसिडुअल प्लेट, स्पाइरल आर्टरी एंड डेसिडुअल सेप्टम. तो डेसिडुअल सेप्टम, स्पाइरल आर्टरी, दे आर फ्रॉम द मैटरनल साइड, एमनियन, कोरियोनिक प्लेट, अम्बिलिकल वेसल, दे आर फ्रॉम द एमनियन साइड. मैटरनल इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, इट ट्रांसमिटेड टू द फीटस बाय क्रॉसिंग द प्लेसेंटल बैरियर. अगर कभी प्लेसेंटल बैरियर या प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट जो है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ क्रॉस हो जाते हैं तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है. प्लेसेंटा फंक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक. सिंपल डिफ्यूजन का काम करता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन का काम करता है, एक्टिव ट्रांसफर का काम करता है, एंडोसाइटोसिस का काम करता है, एक्स्ट्रोसाइटोसिस का काम करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, इसके अलावा न्यूट्रिटिव फंक्शन, फीटल सर्कुलेशन के थ्रू एंजाइमेटिक फंक्शन, बैरियर फंक्शन, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, हार्मोन्स, ये सारे फंक्शन के साथ साथ कुछ प्लेसेंटा के अनवांटेड फंक्शन भी होते हैं. ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शस एजेंट, अभी अगर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अगर प्लेसेंटल बैरियर के क्रॉस जो है वो क्या हो जाए, क्रॉस कर जाए, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है. ट्रांसफर ऑफ द ड्रग, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर जाते हैं और बेबी तक पहुँच जाते हैं, जो बेबी को, फीटस को हार्म करते हैं. फंक्शन ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, जिसको हम लोग एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बेंस का भी काम करता है, क्योंकि फीटल में बेबी जो है वो फीटल मेम्ब्रेन में और एमनियोटिक फ्लूइड में ही क्या है, सेफ है. अगर किसी तरह का ट्रॉमा या कुछ होता है तो ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड बिफोर कॉर्ड कटिंग. हार्मोन प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, प्लेसेंटा से एसीजी हार्मोन, कोरियन, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, कोरियोनिक एड्रिनोकॉर्टिक कोट्रोपिन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, कोरियोनिक एड्रिनोकॉर्टिक कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड वेरिएंट हाइपोथैलेमिक लाइक रिलीजिंग हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं. प्लेसेंटल ट्रांसफर, ड्रग दैट डजंट क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है, कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं जो क्या होते हैं, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं. थैंक यू सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे मेल करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड सजेशन सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज़.